हेलो गाइस, वेलकम टू जुगाड़ू गुरुजी। मैं अनिल फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लेके आए हैं आज वीडियो। इस वीडियो में जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पीसीबी को कैसे रिपेयर करते हैं। पीसीबी होता क्या है? प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड या प्रोग्रामेबल कंट्रोल बोर्ड बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स कर दिए जाते हैं जिससे गाड़ी आपकी आपके अकॉर्डिंग चले। उसके लिए पीसीबी बोर्ड डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली एक ये मदर बोर्ड पर डिज़ाइन किया गया है, एक सर्किट बोर्ड कहते हैं इसे बेसिकली, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हमारा पीसीबी ख़राब हो गया है। और पीसीबी की आपको पता होगा कि जो प्राइस है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, और इस वजह से और पीसीबी इजीली आपको अवेलेबल भी नहीं होते हैं। अभी चाइना से रिसेंटली बैन लग गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इस वजह से यहाँ पर हम पीसीबी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली हम आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन जुगाड़ लेके आए हैं जिस जुगाड़ से आप अपनी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इसमें 400 प्लस लाइक मुझे चाहिए चाहिए कम से कम, और हम इसमें पूरा सिंपल सा जुगाड़ आपको बता देंगे जिससे आपका पीसीबी 110% वर्क करने देता हूँ इस चीज़ का कि 100% आपका वर्क करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पीसीबी आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मार्केट में एक बार ट्राई कर सकते हैं मार्केट में, और अगर नहीं इट पॉसिबल है तो प्लीज़ आप हमें हमसे जुड़कर आप हमसे एड्रेस लेकर आप हमें पीसीबी भी कोरियर कर सकते हैं। पीसीबी कोरियर करिए, हम आपको रिपेयर करके वापस आपको भेज देंगे। मिनिमम टू मिनिमम एक चार्जेस आपके कोरियर चार्जेस रहेंगे, और हमें कोई इससे आपसे कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं चाहिए। सिर्फ एक कोरियर चार्जेस जो भी आपको वहाँ पर भेजने के जो भी चार्जेस रहेंगे वो चार्जेस आपको बस देने होंगे, नथिंग एल्स। और आपकी पीसीबी आपको रिपेयर करके घर पर पहुंचा दी जाएगी, और अगर कोई कंपोनेंट चेंज होता है तो वो कंपोनेंट के चार्जेस रहेंगे, बाकी और कोई आपको रिपेयर के चार्जेस नहीं देने हैं। तो प्लीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें पीसीबी अपनी कोरियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना होगा पीसीबी के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपोनेंट्स, ये जो इस तरीके की अगर आपके में ब्लू ग्रीन या फिर ब्लैक कलर के अगर कहीं भी लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर 7 एम्पेयर 250 वोल्ट का मेंशन होगा। इसी तरीके से आप इस तरफ देखेंगे तो 12 एम्पेयर और 125 VAC 7 एम्पेयर 250 वोल्ट का आपको यहाँ भी मेंशन होगा। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो मेंशन है वो उसमें लिखा हुआ है कि 7 एम्पेयर तक ये करंट आपका ले सकते हैं और 250 वोल्ट तक आपका ये करंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो बेसिकली इनको बोलते हैं रिले, ये जो रिले लगाई जाती हैं, जैसे 4 रिले लगी हुई हैं इसके अंदर। अगर आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी ओके है, वायरिंग ओके है और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपकी रिले काम नहीं कर रही है। अगर आपकी रिले सही है, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट करना एक ये बोलेंगे कि बैटरी से कंटिन्यूस एक तरीके से सिमिलर पावर प्रोवाइड करना और कम बैटरी से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना, वो रिले का काम होता है। बेसिकली रिले इज़ यूज्ड कि यहाँ पर आप गाड़ी में बैटरी, हमारे जितने भी बाइक वगैरह होते हैं, कार होते हैं, वहाँ पर सेल्फ लगाते हैं, तो उस टाइम पर भी रिले का यूज़ किया जाता है। तो ये रिले होता है, अगर आपका रिले आपको चेक करना है, रिले आपका ख़राब है तो आपको रिले चेंज करना है। ये आपको यहाँ पर कैपेसिटर्स मिल जाएंगे, कैपेसिटर अगर ख़राब है तो कैपेसिटर चेंज करना है। और बेसिकली यहाँ पर देखिए कैपेसिटर्स हैं, ये हमारे रजिस्टर्स हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के रजिस्टर्स लगे हुए हैं। अगर रजिस्टर्स ख़राब हो गए हैं तो रजिस्टर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डायोड है, ये काले कलर का ये डायोड है, ये बैटरी में भी यूज़ किया गया था, बैटरी के चार्जिंग पॉइंट पर भी यूज़ किया जाता है, ऐसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अभी बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है वो आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ कि इस तरीके से हमें यहाँ पर आप अपना अभी लेना है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें लेना है बैटरी। हमारा बैटरी का कैसे क्या लेंगे वो हमें आपको पता ही है कि बैटरी का एज इट इज़ जहाँ पर आपने देखा था कि बैटरी का हमने जो बैटरी बनाई थी वो बैटरी की, अगर अभी आप तक लिंक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बैटरी को कैसे बना सकते हैं।
तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं इसको बैटरी को, और ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ, तो वो वोल्टेज देख लीजिए और फिर उस तरीके से हमें चीज़ें कैसे चेक करना है वो भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हमें ये देख सकते हैं, ये नेगेटिव पोल है, ये वाला ब्लैक वायर नेगेटिव पे कनेक्टेड था और ये रेड पॉजिटिव पोल है। कराता हूँ, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर आप वोल्टेज देख रहे हैं 7.5 आपको वोल्टेज मिल रहा होगा। तो बेसिकली रिले कैसे कनेक्टेड रहती है वो आप देखिए, रिले में चार पॉइंट होते हैं, दो यहाँ पर, दो ये वाले, ठीक है, दो ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको रिले के अंदर, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है, चार रिले हैं। तो बेसिकली फिर इसके दो पॉइंट ये हैं, दो पॉइंट ये हैं, फिर दो पॉइंट ये हैं और दो पॉइंट ये हैं, इस तरीके से रिले कनेक्टेड है ये, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड कर दिया है यहाँ पर, और इसको नेगेटिव से कनेक्टेड कर दिया है, तो दो नेगेटिव से दो पॉजिटिव से इस तरीके से कनेक्टेड रहती है। तो बेसिकली अगर सबसे पहले गाड़ी वर्क नहीं कर रही है तो मैं आपको बता चुका हूँ रिले ख़राब है, रिले चेंज करनी पड़ेगी। तो रिले चेंज कैसे करेंगे वो आप देखिए, कि यहाँ पर जब आप चेक करेंगे वोल्टेज को तो आपको 7.5 वोल्टेज पूरा आ रहा होगा, ठीक है। अगर रिले ओके है, अगर रिले ओके है तो देखिए ये तो पॉजिटिव पे ही लगे हुए हैं, ये वो देखिए एक ये नेगेटिव पे है, ठीक है, नेगेटिव दिखा रहा है, ये एक पॉजिटिव पे कनेक्टेड है ये वाला, तो देखिए पूरा 7.5 आ रहा है। ये दूसरा वाला पॉजिटिव पे कनेक्टेड है तो इसका भी 7.5 आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव पे नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी आप ये जब नेगेटिव वाला देखेंगे, नेगेटिव वाले पे कोई भी करंट नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, अभी नेगेटिव पे कोई भी करंट नहीं आ रहा होगा। तो बेसिकली अगर करंट नहीं आ रहा है तो इट मीन्स रिले ओके है, अगर करंट आ रहा है तो रिले ख़राब है। इसका मतलब अगर वो बाईपास हो चुकी है, रिले ख़राब हो चुकी है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि अगर रिले आपकी वर्क नहीं कर रही है तो मतलब पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, तो इट दैट मीन्स रिले ख़राब है। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरी इस पीसीबी में आपको वो चीज़ कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी और जो पीसीबीस रहती है वहाँ पर ये कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और उनको हम बोलते हैं, देखिए इस तरीके की मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये इस तरीके के ट्रांजिस्टर होंगे, अगर आपकी गाड़ी राइट मूव कर रही है, लेफ़्ट मूव नहीं कर रही है, लेफ़्ट मूव कर रही है, राइट मूव नहीं कर रही है, तो याद रखिए आपकी कार के अंदर, आपके पीसीबी के अंदर इस तरीके के ट्रांजिस्टर लगे होंगे, और इन ट्रांजिस्टर की वजह से वो राइट एंड लेफ़्ट मूव नहीं कर रही होगी, क्योंकि उसमें आपको गौर करना पड़ेगा कि एक ना एक कोई ट्रांजेक्शन आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। तो ये इस तरीके के ट्रांजिस्टर रहेंगे, याद रखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनमें तीन होते हैं, तीन पोर्ट होते हैं, और यहाँ पर आप देखिए हर ट्रांजिस्टर का मॉडल नंबर लिखा रहता है हमेशा, देखिए KEHE, इस तरीके से आप गौर से पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमेशा जो यूज़र्स व्यूअर्स होते हैं हमारे, वो व्यूअर्स पूछते हैं कि सर कंपोनेंट ख़राब है तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा कंपोनेंट है, तो याद रखिए हर चीज़ पर एक मॉडल नंबर लिखा होता है, इस पर आप देखिए ये क्लियरली मेंशन हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको आप इसके मॉडल नंबर से आप वहाँ पर ले सकते हैं। अगर वहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो कैपेसिटर पे भी देखिए यहाँ पर म्यू एफ़ पूरा इसका वोल्टेज वगैरह पूरा मेंशन रहता है कि कितने म्यू एफ़ का है, कितने वोल्ट का है, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग, मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग भी ट्रांजिस्टर को, कैपेसिटर को ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके के आपके डायोड ख़राब हुए हैं तो डायोड पर भी आप देखिए, डायोड पर भी सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, ये डायोड होते हैं, और डायोड देखिए यहाँ पर पूरा मेंशन रहेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, और देखिए यहाँ पर इस पर मेंशन है N401 40, यहाँ पर मिट गया है, ये 401 डायोड है, 407 सॉरी 407 का ये डायोड है, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये डायोड भी मिल जाएगा, इस तरीके से कैपेसिटर होंगे, वो कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं, कैपेसिटर भी आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें आपको चेक करनी है कि क्या है क्या नहीं है ख़राब, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नई पीसीबी लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर करंट फ्लो होता है इनके बीच में तो ये ख़राब होते हैं। तो देखिए अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है कोई भी तो वो ख़राब नहीं है, याद रखिए। यहाँ पर देखिए
ज़ीरो आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखिए करंट को फ्लो कराते हैं, सपोज़ दैट मैं यहाँ से पॉजिटिव वायर लगा देता हूँ, ठीक है, और मेरा ये यहाँ पर नेगेटिव वायर पे मैं इस टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, क्लियरली देख सकते हैं आप 12 वोल्ट आ रहा है अगर मैं यहाँ पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम हो गया, 0.05 रह गया। इट मीन्स ये वर्क कर रहा है, ओके है, ये डायोड क्या है, वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ से देखिए रिवर्स अगर मैं करंट को सप्लाई करूँगा तो ये देखिए रिवर्स में यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखने लगेंगे। रिवर्स काम नहीं करता है, याद रखिए, ये हमेशा इसमें जो डायरेक्शन फिक्स रहती है उसी डायरेक्शन में काम करता है। ये डायोड इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे आपका करंट रिवर्स ना हो। ये जो सिल्वर वाला पार्ट होता है वो हमेशा करंट सप्लाई जाने वाले साइड में लगा रहता है। देखिए यहाँ से आपको करंट 0.05 हो गया, तो बेसिकली ये इसका मतलब क्या है, ये सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये इसके अंदर करंट यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 12 वोल्ट आ रहा है तो ये कैपेसिटर ओके है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ाना। तो बेसिकली अगर इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहा है तो ये ओके है, काम कर रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो दैट मीन्स ये काम नहीं कर रहा है। याद रखिए कैपेसिटर हमेशा इस तरीके से काम करता है। वहीं अगर हम रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर का हमेशा काम क्या रहता है कि चीज़ों को उसके वोल्टेज को गिराना या वोल्टेज को बढ़ाना। बेसिकली रजिस्टर का काम क्या होता है, वोल्टेज को गिराने का ही काम होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर का पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये रजिस्टर क्या है, काम नहीं कर रहा है। देखिए अगर ये 12 वोल्ट पूरा दे रहा है तो प्रॉपर ये काम नहीं कर रहा है, तो हमें इससे बड़ा रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए प्रॉपर 11.44 वोल्ट आ रहा है। तो बेसिकली मेरा कहना यही था कि पीसीबी को लेकर आप ज़्यादा पैनिक नहीं होइए। काफ़ी क्वेश्चंस थे लोगों के, काफ़ी चीज़ें थी, 4-5 चीज़ें थी जो पीसीबी के अंदर, वही बता दी मैंने आपको। एक रिले मेन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर। सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखी हैं, अगर राइट एंड लेफ्ट मूविंग का इशू है, राइट मूव नहीं कर रही है, लेफ्ट मूव नहीं कर रही है, तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस करना है। गाड़ी ऑन नहीं हो रही है तो याद रखिए ये चेंज करना है, नहीं तो डायोड चेंज करना है। बेसिकली डायोड भी कभी कभी ब्लास्ट हो जाते हैं और मोस्टली अगर पावर सप्लाई से कभी दिक्कत आती है तो मोस्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले ही ख़राब होती है। इसके अंदर मेन जो पार्ट है वो रिले है और ट्रांजिस्टर है, नथिंग एल्स, और इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक बटन बनता ही बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे चैनल पर इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। और कोई भी कमेंट बॉक्स में जो भी इशू है आपका कार से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप पॉसिबल है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिस तरीके से आप कनेक्ट करना चाहते हैं हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक प्रोवाइड करिए कि आपने अगर अपनी कार रिपेयर करी है, पीसीबी रिपेयर हुई है, तो आपको किस तरीके का अनुभव रहा है हमारे चैनल को हमारे देखने के बाद, हमारे वीडियो को देखने के बाद हमारे इस चैनल पे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को शेयर भी करते रहिए अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।